यूपी के बाराबंकी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भाजपाइयों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बिना हेलमेट के तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक से फर्राटे भरते दिखाई दिए भाजपाई। ये तिरंगा यात्रा अलग अलग क्षेत्रों से चलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, जहां पर बाइक पर बिना हेलमेट के एक नहीं दो नहीं तीन तीन लोग बैठे हुए दिख रहे थे, वो भी पुलिसकर्मियों के सामने। आज यूपी के बाराबंकी जिले में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण के साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कर रहे थे। ट्रैफिक नियमों की भाजपाइयों द्वारा बाइक रैली के दौरान धज्जियां उड़ाई गईं। यहां के भाजपा सांसद उपेंद्र रावत, अयोध्या भाजपा सांसद लल्लू सिंह सहित पुलिस अधीक्षक बाराबंकी आकाश तोमर ने क्या कुछ कहा सुनिए। एक तरफ तो सरकार के सांसद अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में सफाई देने लगे, वहीं एसपी ने कहा कि इन्हें पहले जागरूक किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल जनप्रतिनिधियों और कानून के रखवाले कुछ भी कहें, लेकिन हेलमेट इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हेलमेट से तमाम लोगों की जान बच सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब आम लोगों के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान के नाम पर मोटी रकम जमा करवाई जाती है, तो फिर रैली के दौरान बिना हेलमेट तीन सवारियों के बैठने पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। सवाल सरकार के इन लोगों से भी है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। किया है इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश रहता है। आप देखते होंगे, क्या लगता है कि इससे लोगों में कहीं ना कहीं जान का। उत्तर प्रदेश ने उन ट्रैफिक नियमों का को वही रोक दिया है और उसमें संशोधन करके लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता जन भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसलिए उसने रोका। सर, हेलमेट कितना ज़रूरी है। हेलमेट तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उस हेलमेट का न लगाने के कारण जो कर्मचारी फोर्स के लोग दुरुपयोग करते हैं, उसके कारण जनता की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक गई और उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। हेलमेट लगाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं वह कम हो जाती हैं, यह सबकी धारणा भी है और यही सूचना भी है। सांसद जी, उनके लिए क्या कहेंगे। आज हमने देखा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो तिरंगा यात्रा में बाइक चला रहे थे, बिना हेलमेट के थे, कहीं ना कहीं दुर्घटना को। तिरंगा यात्रा इधर कब हुई। अभी तिरंगा यात्रा के दौरान शामिल होने आ रहे थे सड़कों। सरकार जो है दबाव बना रही है, जैसे किसी चीज़ की जब शुरुआत होती तो तुरंत नहीं लागू, धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान चलाया, कुछ झाड़ू लेकर निकले, धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ा। हेलमेट भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समाज का ही एक अंग, उसमें भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव होगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता सब हेलमेट लगाए। आप अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं जैसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत भी मिलकर के सामूहिक किसी कार्यक्रम में सब में हम लोग करते हैं। जैसे तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक रैली होती है तो बिना हेलमेट, कोई भी रैली हो या अकेले निकले या सामूहिक निकले, हाँ। हेलमेट लगाना चाहिए सबको। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम था ये लाभार्थी सम्मेलन, लाभार्थियों को भी बुलाया गया था उनको ये बताने के लिए कि जितना भी फायदा या जितना भी जितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सरकार सीधे आपको दे रही है। इसके पीछे मंशा ये थी कि जो बीच में बिचौलिए आ जाते थे कि हम आपका काम करा रहे हैं, हम तुम्हारा काम करा रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार होता था वो रुके, सीधे लाभार्थी को ये बताया जाए कि ये सारी योजनाएँ हैं और आपको सीधे इनका लाभ मिलेगा, मेन उद्देश्य था। यहाँ पर जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो चूंकि मैं पहले यहाँ से विधायक रहा हूँ, अभी 5 महीने पहले इस्तीफा दिया है, तो इस क्षेत्र के विकास के बारे में मेरा दायित्व बनता था कि मैं उनसे कुछ कहूँ। मैंने 7 मांगे रखी हैं, उसमें से कई मांगे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी कर ली, उन पर काम है।
आज सांसद जी हमने देखा कि तिरंगा यात्रा भी निकली थी जगह जगह। तिरंगा यात्रा ये हमारी पहले से प्रस्तावित थी जी जी, और फिर बाद में ये लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन बाद में तय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था तो उस तिरंगा यात्रा को इस कार्यक्रम से जोड़ दिया गया जी जी। तिरंगा यात्रा जैसे कि हमारी पार्टी की परंपरा है, हर वर्ष हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगे का सम्मान करना, देश में तिरंगे को लहराना, ये हमारी पार्टी का। सांसद जी अक्सर देखा जाता है जब तिरंगा यात्रा निकला, बाइक रैली निकलती है, तमाम सारे लोग सड़कों पर चलते हैं, उस दौरान लोग हेलमेट नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। सरकार भी कह रही है लोग हेलमेट लगाएं, तो क्या मानते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए और लोगों को हेलमेट लगा के चलना चाहिए? एक साल पहले की तिरंगा यात्रा में आपने देखा होगा गिने चुने लोग हेलमेट लगाए हुए थे, लेकिन आज आपने देखा कि गिने चुने लोग ऐसे थे जो हेलमेट नहीं लगाए थे। एक जागरूकता बन रही है, जब कोई नई चीज़ शुरू की जाती है वो एकदम से बिजली के बटन की तरह नहीं फैल जाती है, एक जागरूकता बनती है, लोग धीरे धीरे इस मामले में जागरूक होंगे और हेलमेट लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हेलमेट इसलिए सरकार ने अनिवार्य किया है कि जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो जान को बचाने के लिए हमको हेलमेट लगाना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे सर? मैं कार्यकर्ताओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रैफिक के रूल बने हैं, मोटर रूल बने हैं, उनका पालन किया जाए, और रैली और तिरंगा यात्रा जो भी हम आयोजन करें तो उससे राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, ये पूरी इस बात का पूरा इस बार ध्यान भी रखा गया है, राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ योजनाएं थी? हाँ देखिए, आज जो है लगभग 71 करोड़ 26 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस समारोह में हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पूरे जनपद की ये समस्त परियोजनाएं थी, और ये उसके अतिरिक्त जो है हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसमें सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 35 से 40 लाभार्थियों को भी उनको प्रमाण पत्र इत्यादि वितरण किया गया है। तो ये पूरा समारोह जो है अभी संपन्न हुआ है, और उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ से प्रस्थान हो चुका है।